الله أكبر الله أكبر हेलो जी, पहुंच जाऊंगा। हेलो पर मामला इतना हल्का नहीं है कि बीजेपी आसानी से पल्ला झाड़ पाए। माया कोडनानी उस वक्त भी बीजेपी की विधायक थी, यानी पार्टी के नेता सीधे तौर पर दंगों में शामिल थे। मोदी सरकार का उन्हें खुला संरक्षण मिल रहा था, वरना पुलिस इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मोदी ने उनकी इस बहादुरी पर फिदा होते हुए उन्हें मंत्री भी बना दिया। उनकी पुलिस ने दंगों के लिए लिखी किसी भी एफआईआर में माया का नाम नहीं आने दिया। ये उन लोगों के घाव पर मिर्च छिड़कने जैसा था जिन्हें लोकतंत्र और कानून पर भरोसा है। ये पहला मौका है जब किसी एजेंसी ने मंत्री माया कोडनानी के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, अब्बा तो वैसे ही है रफीक चाचा, वो तो अम्मी को और भी ज्यादा मिस करने लगे। अरे वो तुमने पढ़ा, उनको सजा मिलेगी? सजा तो हमें मिल चुकी रफीक चाचा। जी मिस्टर कुमार, गुड मॉर्निंग, मैं समीर LIC से बोल रहा हूँ। जी हमारी कंपनी आपके लिए एक इंश्योरेंस। थैंक यू सर, थैंक यू।
हेलो जी मिस्टर मनीष। मिस्टर श्रीवास्तव जी, मैं समीर बोल रहा हूँ LIC से। समीर समीर खान, हमारी कंपनी आपके लिए एक इंश्योरेंस कराना चाहती है जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا